अलीगढ़ की, जहां पर दबंग बेखौफ है, जहां पर दबंगों को पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं है। ये दबंग बीजेपी कार्यालय में घुसते हैं, पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीरें तक फाड़ देते हैं और ये कहकर निकल जाते हैं कि अगर यहां पर दोबारा मीटिंग हुई तो कार्यालय को बम से उड़ा दिया जाएगा। एक रिपोर्ट देखिए। सीएम के फाड़े गए पोस्टर, भाजपा कार्यालय में की गई तोड़फोड़, बीजेपी कार्यालय को बम से उड़ाने की दी गई धमकी। उत्तर प्रदेश की जनपद अलीगढ़ के थाना दहली गेट इलाके में भोजपुरा क्षेत्र में बीजेपी कार्यालय खोला गया था। यहां प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पोस्टर लगाए गए। दबंगों ने बीजेपी कार्यालय में जमकर उत्पात मचाया और इसका विरोध भी किया। इसके साथ ही पोस्टर्स भी फाड़ दिए। भाजपा कार्यालय में जमकर हंगामा हुआ है, सामान को उठाकर फेंका गया। पीएम और सीएम के पोस्टर फाड़े जाने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता को गोली मारने की धमकी दी गई। इसी के साथ कहा गया कि कार्यालय को बम से उड़ा देंगे। इसके बाद दबंगों के द्वारा भाजपा कार्यालय पर लगे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के पोस्टर फाड़े जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और दबंगों के बीच जमकर कहासुनी और बवाल हुआ। बीजेपी कार्यकर्ता का आरोप, सूचना पर नहीं पहुंची पुलिस। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता का आरोप है कि घटना के बाद उसके द्वारा पूरे घटनाक्रम की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन घटना की जानकारी मिलने के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची। प्रधानमंत्री सहित मुख्यमंत्री के पोस्टर फाड़ने वालों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जानकारी के अनुसार डिफेंस कॉरिडोर राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियां की जा रही थी। इस बीच गुरुवार देर रात भोजपुरा में भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ हुई। बीजेपी कार्यालय पर लगे सीएम योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर फाड़ दिए गए। इलाके के दबंग और उसके भाई ने उत्पात मचाते हुए भाजपा समर्थित कार्यकर्ताओं से मारपीट की। बीजेपी कार्यालय पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पोस्टर फाड़े जाने के साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई और बवाल की सूचना पर मौके पर पुलिस नहीं पहुंची। हालांकि इसके पहले ही दबंग कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी देते हुए चले गए। घटना के संबंध में कोतवाली में नामजद मुकदमा अब दर्ज कराया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ता राजा का आरोप है कि घटना के बाद अभी तक पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। बम लगा के मार दूंगा तेरे सारे नेता को, मार दूंगा योगी मोदी, वो मोदी आ रहा 14 तारीख को, बम लगा दूंगा तेरे बदन को, यहाँ से बच के आएगा। उसका भाई तमंचा लगा के लेकर आता है बाबू, नगर निगम में नौकरी है उसकी, आ चुकी, उसने ही गोली मार दे, 2 महीने की पगार का है कि ये 2 महीने में भाई लगा दूंगा। तो उनने जो तमंचे का पीछे वाला जो हिस्सा जो है ये मेरे यहाँ मारा था, जैसे बोलने दाना जो लोड करा था मेरे, तो मैंने अपने जितने के हम 3-4 लड़के थे अंदर बुला के हमने शटर लगा लिया, पुलिस को हमने पहले फोन कर दिया, पुलिस लेट आई थी। तो वही भाजपा के नवनियुक्त अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष इमरान सैफी ने भोजपुरा में अपना नया कार्यालय बनाया, जिस पर बीजेपी कार्यालय का गुरुवार देर शाम शुभारंभ किया गया। आरोपी इस दौरान इलाके के दबंग वहां पर पहुंचे और बीजेपी कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की है। विरोध करने पर तनवीर और बाकी लोगों के साथ कुर्सियों से मारपीट की गई और कहा कि अगली बार अगर यहां भाजपा की बैठक हुई तो कार्यालय को बम से उड़ा देंगे। इस बीच खबर पर कोतवाली पुलिस पहुंची, मगर उससे पहले हमलावर भाग चुके थे। इस मामले को लेकर तनवीर की तहरीर पर कोतवाली में दोनों नामजदों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हालांकि कार्रवाई कब और कैसे की जाएगी ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज।
तो देखा आपने अलीगढ़ में किस तरह से दबंगों ने उत्पात मचाया है, और अब आलम यह है कि दबंग बीजेपी कार्यालय तक पहुंचकर सीएम योगी और पीएम मोदी की तस्वीरें तक उन्होंने वहां पर फाड़ी है। फिलहाल अलीगढ़ से हमारे सहयोगी अजय जुड़ गए फोन लाइन पर। अजय, देखिए इस मामले को लेकर अब तक ये बात सामने आई है कि दबंग वहां पर आए, धमकियां दी कि हम बीजेपी कार्यालय को बम से उड़ा देंगे अगर यहाँ पर दोबारा से मीटिंग हुई। पूरे मामले को लेकर आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, हम आपको बता दें कि जिस तरह से अभी 14 सितंबर को अलीगढ़ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है डिफेंस कॉरिडोर राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे, उसी की तैयारियों को लेकर जो है अलीगढ़ के जो मोर्चा के प्रकोष्ठ अधिकारी जिला अध्यक्ष बनाए गए थे उनके द्वारा जो है तैयारियों को लेकर मीटिंग का दौर शुरू किया गया था। गुरुवार की देर शाम तक चल रहा था। उसी दौरान जो है राजद तत्व उनके कार्यालय बीजेपी कार्यालय पर पहुंचे और उनके साथ में मारपीट की गई, तो वहीं दीवारों पर लगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दबंगों तस्वीर को दबंगों द्वारा फाड़ दिया गया। तो वहीं तो बीजेपी कार्यालय के अंदर जमकर उत्पात मचाएगा और बीजेपी कार्यालय जो अल्पसंख्यक मोर्चा के जो जिला अध्यक्ष उनके साथ में मारपीट की गई, साथ ही उनको धमकी भी दी गई और उनको कमरे के अंदर तमंचे की बट भी मारी गई। उनका आरोप है कि दबंगों द्वारा कार्यालय के अंदर घुसकर उन्हें बम से उड़ाकर अगर उनके द्वारा इस कार्यालय के अंदर हरे तक मीटिंग की गई तो इसको बम से उड़ाने की भी धमकी दी गई है, जिसके बाद में जो अल्पसंख्यक मोर्चा के जो जिला अध्यक्ष उनके द्वारा पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी गई थी। पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, लेकिन मौके पर पुलिस के पहुंचने से पहले ही जो अराजक तत्व मौके घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। तो वहीं जिला जो अल्पसंख्यक मोर्चा के जो बिल्कुल अजय, इस तरह के मामले पहले भी सामने आया, हालांकि सवाल अब यह कि सही तरीके से ऐसे दबंगों को पर कार्रवाई कब पुलिस प्रशासन करेगा ताकि इस तरह के मामले रुक पाए और अपराध भी कम हो पाए। धन्यवाद तमाम जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए अजय। तो देखा आपने किस तरह से दबंग बेखौफ है अलीगढ़ में, और ये मामला सिर्फ अलीगढ़ का नहीं है, कई और जगहों पर इस तरह से अराजक तत्व ऐसी हरकतें करते रहते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई कब करेगा ये एक बड़ा सवाल है। और इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वीके न्यूज पर। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।